Baba? Bless you. Have you any? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Kitty. Good idea. बहुत आ गया और ये शीप भी है, देखो इनके पास कितना सारा वूल है। और ये फसी फसी हो गई कार, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है हाबूर 1 किलोमीटर। तो हाबूर का नाम है पूनम नगर, तो उसका एक्चुअली नाम अब जो चेंज करके पूनम नगर कर दिया गया है। तो अगर आप हाबूर आए और पूनम नगर दिखे तो इसका मतलब क्या है, वो हाबूर ही है। वो हाँ वो किधर मिलता है, इधर इधर ही होता है, इधर ही होता है, इधर कहाँ मिलेगा, ढूंढ के बताना। तो हम हैं अभी हाबूर में, सीरियसली ये पत्थर है क्या? हाँ इधर वाला, हाँ 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 थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे पत्थर। अच्छा अंदर की साइड में कितना अंदर जाना पड़ेगा? वो पड़ा गेट पड़ा 500 मीटर जाना। अच्छा अच्छा रोड जा रहे दीदी, वहाँ पर पत्थर थोड़ा ज्यादा। अच्छा अच्छा ज्यादा मिलेगा, चलो ठीक है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। धन्यवाद आपका, थैंक यू। ओ आपको कहाँ जाना है? ये घर किसका? ये आपका घर है? इतना अच्छा, बहुत अच्छा घर बनाया है ये, मैं घर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है ये वाला, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो हम हैं अभी हाबूर में, तो हम यहाँ पर आए हैं हाबूर का पत्थर लेने। एक्चुअली हाबूर इज द मेन प्लेस फॉर फॉसिल स्टोन्स। यस बेटा, और देखिए यहाँ पर रास्ते में भी ऐसे पत्थर पड़े हुए मिल जाएंगे आपको। एंड कैन यू इमेजिन दिस इज अ फॉसिल स्टोन। ये देखिए फॉसिल बनाए हुए हैं, ये देखो। एक्चुअली जितना भी जैसलमेर है थार डेजर्ट है, पहले जो टैथी सी था तो वो एरिया था ये। तो यहाँ पर आपको ये फॉसिल स्टोन्स ऐसे ही मिल जाते हैं। और जयपुर में जब आप जाएंगे ना तो उनके जो कप्स मिलते हैं, पिरामिड बनाए हुए होते हैं बड़े बड़े, तो वो सब बनाते हैं ये। जिस चीज़ के लिए मैं आया था, खुद खोजना था मेरे को हाबूर पत्थर, तो मिल गया एक्चुअली यहाँ पर। हेलो सर, बढ़िया, कहाँ से हो आप? यहाँ से, हम यहीं। हाबूर के हो कि इधर के हो? सूरगढ़नी। ओके ओके, आप सर? हम तो आए दिल्ली से। दिल्ली से यूट्यूबर हो? हाँ। आपका चैनल क्या है? वी एंड ग्रेस, देखो लिख लो। तो आप भी आओगे? ये वीडियो आप सर डालोगे? हाँ डालूंगा, आप आओगे उस पर। मैं वो हाबूर का पत्थर ढूंढ रहा था, तो वो नहीं है ये। या नहीं सर, आगे आगे लो, आपको मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे। किधर? आगे रास्ता है मुरडिया, आगे ले लो मोटे मोटे। कितना दूर है वो? सामने ही है। अच्छा इधर ही है क्या? अच्छा अच्छा, मैं कह रहा इधर ही पड़े मिलेगा, मगर पत्थर तो कहीं दिखे नहीं। इधर नहीं, ये रहा सर चित्र वाला, वो आता है ना। अच्छा हाँ हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुर्बान। कुर्बान, कुर्बान हुआ है ना, सुना गाना ये वाला? हमारे तो नाम पे कई वो चीजें हैं। हाँ ये ना, हाँ हाँ वी एन ग्रेस यही वाला है। समझा कर रहे हो? हाँ सब नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल कल जाओगे? हाँ हाँ। अच्छा बुकिंग किए हुए हैं? बुकिंग है हमारा पहले ही। अच्छा पहले बुकिंग है। हाँ ठीक, आगे आगे ले लो, आगे ले लो, आके आपके पीछे रहते हैं। धन्यवाद, मिल जाएगा आपको, हम बता देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको आते हैं। चलो तो मुझे लोकल्स मिल गए हैं यहाँ पर, ये कुर्बान जी हैं आप। तो बाई चांस मुझे यहाँ पर मिल गए, अब ये मुझे बताएंगे हाबूर का पत्थर कहाँ से ले सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर। आसपास हम आए हैं अभी, और देखिए कह रहे कि जहाँ पर खुदाई होती है ना वहाँ पर जो पत्थर मिलेंगे चांसेस रहते हैं। ये यहाँ पर ये इधर, हाँ जीवाश्म देखिए, ये टैथी सी से निकला था ना ये। जानते हो उसके बारे, पत्थर के बारे में आप? पत्थर के बारे में नहीं जानते? जब पहले जैसलमेर समंदर था बहुत पुराने टाइम में, जब माउंट एवरेस्ट भी नहीं बना था, तो जब वो समंदर सूख गया ना उसके बाद जो ये रेगिस्तान बना, तो रेगिस्तान जब बना तो जो मछलियाँ वछलियाँ सब मर गए, तो जो सूख गए बिल्कुल, तो फॉसिल बोलते हैं उसको, जीवाश्म जो बोलते हैं।
लड़ाई करें तो ये तलाई है इसमें निकलते हैं। अच्छा हाँ ये रखा है। हाँ ये अब साथ में लेके जाओगे? साथ में ले जाऊँ? ले जाओ ये डालेंगे ना इसके ऊपर। हाँ हाँ अच्छा ये थोड़ा अभी इसके ऊपर धूल है ना। हाँ हाँ नहीं वो तो धूल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि बड़ा इस पे अगर चटनी वटनी बनाते हैं बना सकते हैं इसके ऊपर क्या? चटनी बना सकते हैं ये बना बना मिलेगा आपको यहाँ। भरमसर फांटा है ना? हाँ भरमसर फांटा। भरमसर ये किधर है? लिद्रुआ जैसलमेर के पास में। अच्छा वहाँ पर फैक्ट्री है इस भाषे की। सब कप मिलते हैं सब मिलते हैं उसमें। बताओ ना मेरे को किधर है ये? लिद्रुआ 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 भरमसर फांटा जैसलमेर। भरमसर फांटा लौंगे वाले जाते हैं उस रोड पे। तो ये सारा जीवाश्मी है ना? ये सारा सब मिल जाएगा आपको। कब मिल जाएगा? मैं वैसे देख रहा हूँ ये पत्थर सारा। ये वाला नहीं है? ये वाला नहीं है। हाँ ये देखिए कितना बड़ा है। अपने पास थोड़ा नहीं है थोड़ा हो जाता है। ये तो लाल है उधर है आगे खाने उसमें बिल्कुल अच्छा बनता है। किधर कितनी दूर है? क्रेशर वो सामने चल रहा है। अच्छा क्रेशर चल रहा है कच्चा है कच्चा रास्ता गाड़ी चलनी चाहिए। हाँ हाँ नहीं ठीक है मेरे को देखने का था बस। ये देख ये वाला देखो ये वाला भी अच्छा है। अपने पास थोड़ा नहीं थोड़ा हो जाता है तोड़ते हैं इसको। हाँ साफ साफ निकलता साफ साफ निकलता। नहीं वो तो बाद में घर जाके कर लूँगा मैं तोड़ फोड़। गाड़ी में है लिखवा दूँगा मैं एक बार इसको रख के। हमारे क्या रेट बिकता आपको पता है? नहीं एक गाड़ी का रुपया देते 50,000 एक गाड़ी लोड करा लो सर। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। कौन सा वाला? एक गाड़ी का ट्रक का। हाँ ट्रक का 50,000। अच्छा यहाँ से दिल्ली माल जाता है सब बाहर। ये ठीक है ना? है पानी की बोतल इसके ऊपर पानी डालोगे ना? हाँ अच्छा दिखेगा। अच्छा दिख वो घर जाके धो दूंगा। ये वाला पत्थर है थोड़ा नहीं अपने पास अगर थोड़ा हो जाता तोड़ते हैं इसको। हाँ उसके अंदर ये वाला। कितना बोझ होगा इसमें? इसमें बोझ होगा 20-25-30 किलो। ये अच्छा ये भी तो है ये भी हाथ का। ये देखो कितना बड़ा स्लैब है ये इतना बड़ा पत्थर है ये। सही कह रहे सारे ये मतलब ये पूरा ये इधर देखो ना क्वेरी ये सारी। हाँ। खोदते कैसे फिर इसको? ये जैसे भी मशीन चलाते हैं। अच्छा मशीन चलाते हैं ये। अच्छा फिर भर के लेके जाते सारा है यहाँ तो खर पड़ा आपके लिए तो पड़ा ही है। ये सर चालू ही है बंद है? चालू है हाँ चालू करते चालू जाता है। ये भी बड़ा स्लैब है पूरा गाड़ी के अंदर इतना मोटा जाता है। क्या पर तो इन भाइयों ने मेरी हेल्प कर दी पत्थर ढूंढने में भी दिखाया भी पूरा कैसे कैसे लेके जाता है इधर। हाँ मैं देखूंगा जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल देखो और दिखाओ भी अपने गांव में सब्सक्राइब करवाओ। सर जरूर करेंगे तो आप ही फेमस हो जाओगे यहाँ पे। ब्लॉग में सर मेरे को मेंशन करना। हाँ हमें मैं बोल तो दिया फारूक भाई। फारूक नहीं कुर्बान कुर्बान सॉरी हाँ का कुर्बान बच्ची बेटा बेटी है बेटी है ना बेटी है। भी चार बेटी चार बेटी है। चलो बेटी बहुत अच्छी होती है। चलो कुर्बान भाई और आपका नाम इलियास। इलियास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने तो इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की यहाँ पर पत्थर ढूंढने में और ये क्वेरी पे लेके आए यहीं से लेके जाते हैं आगे क्रैशर भी बताया तो यहीं के लोकल्स हैं। धन्यवाद मिलते हैं बाय बाय कर दी उनको। ग्रीश बाय कर दो। मिल गया ना तुम्हें पत्थर? शांति से हो गई मेरे को इतनी दूर आया मैं पत्थर वीडियो भी बन इतने बड़े बड़े स्लैब हैं। औरत है औरत ये जो ये यहाँ तक ये पिलर्स भी लगाए हुए ना ये भी आवर का पत्थर है देखो ध्यान से। हाँ। और बल्कि एक पिलर ही निकाल लो। ठीक कह रही है सारे पिलर ही आवर के पत्थर के बने हुए हैं है ना ये जितने भी पिलर्स हैं ये सब जो है ना हापुर का ही पत्थर है ये। मैंने भी ध्यान दिया एग्जैक्टली मैंने भी ये सारा हापुर का ही पत्थर सारा हापुर का पत्थर है ये।
तो बेसिकली इस पत्थर के लिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि इस पत्थर की कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि आपको अगर डायबिटिक हो या फिर पूरी बॉडी में पेन है तो इस पत्थर के जो बने हुए मग्स होते हैं या ग्लासेस जो होते हैं उसमें आप रात को पानी भर के रखिए और सुबह उस पानी को पीजिए, तो आपके बॉडी से रिलेटेड मतलब बॉडी में अगर आपको कुछ भी ऐसे पेनफुल कुछ भी है, अगर पेन है या कुछ है, जॉइंट पेन है, शुगर है, वो खत्म हो जाती है, वो कंट्रोल हो जाती है काफी हद तक। हेलो फ्रेंड्स, हम यू ग्रेस अपना इंट्रोडक्शन दे रही है।